चेरी ट्री। चेरी आप लोगों ने देखे भी होंगे, फ्रूट एक छोटा फ्रूट रेड कलर का, थोड़ा सा पिंकिश कलर का फ्रूट होता है, तो चेरी ट्री ये पोएट ने कभी वो ट्री लगाया होगा, उसकी यादें ये शेयर कर रहे थे। रस्किन बॉन्ड शायर का नाम है, शायर का नाम याद रखना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्रिटिकल अप्रिसिएशन 4 नंबर का किसी भी पोएम पे लिखने के लिए आता है, तो आपको सबसे पहले पोएट का नाम लिखना होता है, उसमें पोएम का नाम और पोएट का नाम ये दोनों लिखना होता है। तो रस्किन बॉन्ड ये पोएम का, सॉरी, रस्किन बॉन्ड ये पोएट का नाम है। इन्होंने जो चेरी ट्री पोएम लिखी है, दैट पोएम चेरी ट्रीज इज अबाउट द पोएट्स एक्सटेसी ओवर ए ट्री विच ही प्लांटेड विच टुक 8 ईयर्स टू ग्रो। ये चेरी ट्री लगाने के, चेरी ट्री इन्होंने लगाया था, चेरी का पेड़ इन्होंने लगाया था, जिसको पूरे 8 साल लगे थे, वो पौधा ग्रो होने के लिए पूरे 8 साल लगे थे, और उसके बाद में जो उनकी खुशी थी बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम खुशी आपसे संभाले नहीं संभल रही है, जो हम उर्दू में मुहावरे में बोलते हैं शादी मर्ग तारी हो गया, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, तो उसको बोलते हैं एक्सटेसी, वो उन्होंने इसमें बताया है। ही इज़ एक्सप्रेसिंग हिज वंडर एट द वेज ऑफ नेचर एंड हाउ द चेरी ब्लॉसम्स आर फ्रेजाइल एंड क्विक टू फॉल। ये साथ ही ये भी बताते हैं, मतलब नेचर की तारीफ करते हैं, जो कुदरत कितनी हैरत अंगेज है कुदरत, और कैसे कुदरत अपना काम करती है, और ये कुदरत का ही करिश्मा है जो खूबसूरत फल फूल पेड़ पौधे उगते हैं। साथ ही चेरी की खुशबू और चेरी की, मतलब एक नाजुक सा वो पौधा, उसकी नज़ाकत, उसकी खूबसूरती, वो सारी उन्होंने इस पोएम में बताई है। द ट्री गिव्स हिम इमेंस जॉय एज ही कैन सी द स्टार्स एंड द ब्लू स्काई थ्रू डैपल्ड ग्रीन ट्रीज। ये पेड़ उनको बहुत ज़्यादा, ये पौधा उनको बहुत ज़्यादा खुशी देता है, इमेंस जॉय, जैसे कि जब वो ग्रीन डैपल ग्रीन ट्रीज, जो गहरा हरे रंग का पौधा है, हरे रंग का प्लांट है सब्ज रंग का, और उसके पीछे से नीला आसमान और चमकते सितारे वो देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा खुशी देती। तो पोएम स्टार्ट करते हैं। चेरी ट्री, 8 ईयर्स हैव पास्ड, 8 साल गुजर चुके हैं, सिंस आई प्लेस्ड माई चेरी सीड इन द ग्रास। जब मैंने चेरी का बीज घास में डाला था, मिट्टी में जब मैंने चेरी का बीज डाला था, तो उसको 8 साल गुजर चुके हैं। मस्ट हैव ए ट्री ऑफ माई ओन आई सेड, मैंने कहा था कि मेरा खुद का भी एक पेड़ होना चाहिए। एंड वॉटर इट वंस एंड वेंट टू बेड, और जब मैं ये लगा रहा था उस वक्त मैं बहुत जोश में था, मैंने ये सोचा था, मैंने कहा खुद से कि मेरा भी एक ट्री होना चाहिए, इसलिए मैंने उसका बीज डाला था और उसको एक ही मरतबा पानी दिया, फिर मैं सोने चले गया। एंड फॉरगॉट, और मैं भूल गया, जब लगाए थे जब तो बहुत जोश में था, लेकिन सिर्फ उसको एक ही मरतबा पानी दिया, जब बीज डाला तो फिर तो मैं भूल गया उसके बाद में। बट चेरीज हैव ए वे ऑफ ग्रोइंग, लेकिन चेरी का अपना तरीका था बड़े होने का, कुदरत अपना काम करती है, ये भले ही से भूल गए थे लेकिन कुदरत अपना काम करती थी। दो नो वंस केयरिंग वेरी मच और नोइंग, हालांकि कोई भी उसकी केयर नहीं कर रहा था, ना कोई जानता भी नहीं था। एंड सडनली द समर नियर द एंड ऑफ मे, और जल्दी ही समर का मौसम आ गया, गर्मियों का मौसम आ गया मे ख़त्म होने के करीब। आई फाउंड ए ट्री हैड कम टू स्टे, मैंने एक पेड़ को देखा, इट वॉज़ वेरी स्मॉल, ये बहुत ही छोटा था, 5 मंथ्स चाइल्ड, 5 महीने का बच्चा, मतलब वो पौधा 5 महीने का। लॉस्ट इन द टॉल ग्रास रनिंग वाइल्ड, जो जंगली घास फैल रही थी, टॉल ग्रास जो लंबी लंबी घासें थी और जंगली घास थी, रनिंग वाइल्ड जो खुद ब खुद घास सूख जाती है और होती है, तो उसके बीच में एक छोटा सा पौधा था और वो कहीं छुप रहा था बीच में। गोट्स एट द लीव्स, बकरियां उसकी पत्तियां खा चुकी थी, बकरियों ने पत्तियां खाई थी। गोट्स एट द लीव्स, एट ईट का पास्ट टेंस। द ग्रास कटर साइथ स्प्लिट इट अपार्ट एंड ए मानसून ब्लाइट, जो ग्रास कटर साइथ था, साइथ जो वो होती है दराती जिससे पौधे की कटिंग करते हैं हमाली लोग, तो ग्रास कटर जो घास कटने वाला उसकी वजह से भी उसको हर्ट हुआ था, वो पौधे को नुकसान पहुंचा था, स्प्लिट पार्ट उससे उसके टुकड़े हो गए थे। एंड मानसून ब्लाइट,
श्रीवल द स्लेंडर स्टेम, और जो मानसून थी बारिश के, जब बारिश भी कम हुई, सॉरी बारिश ज़्यादा थी तो उससे भी फिर मुरझा गया, फिर बाद में बारिश ख़त्म हुई तो जो उसका जो तना था, स्टेम था, STEM स्टेम यानी तना, तो वो भी पूरी तरह से सूख चुका था। इवन सो नेक्स्ट स्प्रिंग आई वॉच थ्री न्यू शूट्स ग्रो, लेकिन उसके बावजूद, हालांकि इतना सब कुछ हुआ, एक तो मैंने उसको एक ही बार पानी दिया, दोबारा मैंने उसको पानी नहीं दिया, फिर उसके बाद में बारिश आई, गर्मी आई बहुत ज़्यादा, वो मुरझा गया और लंबी लंबी घास के बीच में छुप गया था, मतलब उसको कोई ऐसी हवा, सूरज, रोशनी, पानी वगैरह कुछ मिल भी नहीं रहा था। फिर घास काटने के, जब घास काटी गई तो साथ में इसके भी टुकड़े हुए, लेकिन उसके बावजूद जब अगला बहार का मौसम आया, स्प्रिंग बहार का मौसम जो आता है, जो ये जनवरी फरवरी का महीना होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, सर्दी भी नहीं होती, बहुत खूबसूरत मौसम होता है, सारे फूल खिलते हैं उस मौसम में, आई वॉज थ्री न्यू शूट्स ग्रोथ, मैंने तीन नई कलियाँ, तीन नए छोटे पौधे उगते हुए देखे। द यंग ट्री स्ट्रगल अपवर्ड थ्रस्ट, जो छोटे से नन्हे से पौधे थे, यंग ट्री थे, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, ऊपर थ्रस्ट, जो झटके से आगे बढ़ना, ऊंचा उठना, तो ये कोशिश कर रहे थे। इट आर्म्स इन ए फ्रेश फेयर स्लस्ट, उनके जो बाजू थे, मतलब पौधे की जो शाखें थी, वो बहुत इसमें थी और वो आगे बढ़ रही थी, एकदम जैसे गुस्से में आके बिल्कुल वो आगे बढ़ रही थी, ऐसा इनको लग रहा था पोएट को। फॉर लाइट एंड एयर एंड सन, रोशनी, हवा और सूरज के लिए, क्योंकि एक तो कोई ये पौधों की केयर नहीं कर रहा था, फिर ये घास में भी छुपे हुए थे, तो ये खुद अपना रास्ता, ये पौधे खुद अपना रास्ता तलाश कर रहे थे और बहुत झटके से गुस्से में आके और ऊपर उठ रहे थे, लाइट, हवा और सूरज की रोशनी के लिए, क्योंकि इसी से पौधों को ग़िज़ा मिलती है। आई कुड ओनली वेट, मैं सिर्फ इंतज़ार कर सकता था। एज वन हु वॉच वंडरिंग वाइल टाइम एंड द रेन, मैं जिसने देखा हैरत की, और फिर बाद में बारिश आई, टाइम मेड ए मिरेकल फ्रॉम ग्रीन ग्रोइंग पेन, और टाइम ने फिर अपना करिश्मा दिखाया। आई वेंट अवे नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल गया, स्पेंट ए सीज़न इन कश्मीर, कश्मीर में मैंने पूरा मौसम गुजारा, केम बैक थिनर रेदर पुअर, लेकिन जब मैं वापस आया तो मैं दुबला हो गया था, बट रिचर बाय चेरी ट्री एट माई डोर, मैं कश्मीर से पूरा मौसम ये गुजार के जब वापस आया तो मैं तो दुबला हो गया था, लेकिन जो मेरे दरवाजे पे चेरी ट्री था जो मैंने लगाया था, ये काफ़ी मजबूत तवाना हो गया था, 6 feet हाई, और माई ओन डार्क चेरी, मेरा खुद का जो चेरी का पौधा था वो 6 feet लंबा, 6 feet ऊंचा हो गया था, एंड आई कुड स्केयरसली बिलीव इट ए बेरी, और मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये बेरी है। राइपेंड एंड जेवल्ड इन द सन, ये पक चुका था, इसका फल पक चुका था, राइपेंड, राइप का पास टेंस है, ये राइप फसल पक गई थी चेरी पर, एंड जेवल्ड इन द सन, और सूरज की रोशनी में ये चमक रहे थे, इसके फल हंग फ्रॉम ए ब्रांच, जस्ट वन, उसकी शाखों से लटके हुए थे इसके फल, एंड नेक्स्ट ईयर देयर वर ब्लॉसम्स स्मॉल, और अगले साल फिर छोटी कलियाँ थी, पिंक फ्रेजाइल क्विक टू फॉल, गुलाबी, नाजुक सी, खूबसूरत, ऐसा लग रहा मानो गिर रही हो, ऐसी डालियाँ इसकी झुकी हुई थी। एट द नियरेस्ट ब्रीज द स्लीपीएस्ट ब्रीज, बहुत ही ताजगी का एहसास हो रहा था और बहुत ही अच्छी सुला देने वाली हवाएं, मतलब बहुत ज़्यादा खुशगवारी थी। आई ले ऑन द ग्रास, मैं घास पर लेट गया, आई टी, जैसे बिल्कुल पुरसकून अंदाज में इंसान लेटता है, आराम करता है, लुकिंग अप थ्रू लीव्स एट द ब्लू, और एट द ब्लू, ब्लू आसमान के लिए कहा गया है, स्काई के लिए कहा गया है, और मैं घास में लेटा हुआ था और पत्तियों के से झांकते हुए आसमान को देख रहा था, पत्तियों के उस पार जो आसमान दिख रहा था, ब्लाइंड स्काई एट द फिंचेस एज द फ्लू एंड फ्लिटेड थ्रू द डैपल्ड ग्रीन, जो नीला खूबसूरत आसमान था, ऐसा लग रहा था कि ये कलियां इसको छू रही है और जो कलियां इसके बहुत खूबसूरत और जो हवा के उसके धब्बे दिख रहे थे हरे हरे उसके बीच में,
वाइल बीज इन एन एक्सटेसी ड्रैंक, और जो शहद की मक्खियाँ थी वो भी एक एक्सटेसी की हालत में, एक्सटेसी जो बहुत ज़्यादा खुशी होती है वो कैफियत को एक्सटेसी बोलते हैं, तो शहद की मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा खुशी में थी, उन्होंने भी इसका रस पिया था। ऑफ नेक्टर फ्रॉम ईच ब्लूम एंड द सन सैंक, जो नेक्टर जो कलियों के नीचे वाला पार्ट होता है जहाँ से ये मक्खियाँ वगैरह रस चूसती हैं, कली के नीचे जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है। स्विफ्टली एंड द स्टार्स टर्न्ड इन द स्काई एंड मून वॉस एंड सिंगर क्रिकेट्स एंड आई, मतलब सारा ही मौसम सारा ही माहौल बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। अपने एक तो पहले तो वो बहुत इत्मीनान से बहुत आराम से खुशी में सुकून में लेटे हुए थे, नीला आसमान दिख रहा था, सब्ज़ पत्तियाँ दिख रही थी, हरियाली के पीछे से आसमान झाग रहा था, और शहद की मक्खियाँ दिख रही थी, जो कि खुद भी मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा मगन बहुत खुश थी, उन्होंने इसका रस पिया हुआ था, और आसमान पे सितारे चमक रहे थे, मून मोथ्स जो पतंगे होते लाइट वाले जो कीड़े होते लाइट के कीड़े जो पतंगे उजाले में सॉरी अंधेरे में जो पतंगे निकलते हैं वो अपना गाना गा रहे थे। एंड आई यस आई और मैं प्रेज्ड नाइट एंड स्टार्स एंड ट्रीज़, और मैं रात की तारों की और दरख्तों की तारीफ़ कर रहा था। दैट स्मॉल द चेरी ग्रोन बाय मी, वो छोटा सा चेरी पौधा जो मेरे ज़रिए लगाया गया था, तो मैं उसकी बहुत तारीफ़ कर रहा था दिली दिल में, मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तो ठीक है, ये पोएम कम्प्लीट हुई, नेक्स्ट क्लास में दूसरी पोएम देखेंगे इंशाल्लाह।